नमस्कार, मैं हूं दिव्या। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 114वें संस्करण में बदलते जॉब स्वरूप और नए क्षेत्रों जैसे गेमिंग, एनिमेशन और फिल्म मेकिंग पर जोर दिया। उन्होंने क्रिएट इन इंडिया के तहत 25 नए चैलेंज की घोषणा की जो रचनात्मक को बढ़ावा देंगे। प्रतिभागी अधिक जानकारी के लिए webindia.org पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP में बदलाव करने जा रहा है ताकि ये ग्राहकों की बदलती वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सके। चेयरमैन CS शेट्टी ने कहा है कि नए डिजिटल कॉम्बो प्रोडक्ट्स लाए जाएंगे। SBI ब्याज दरों को संतुलित रखते हुए ग्राहकों की सेवा में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगा। यंग टाइगर NTR की फिल्म देवरा ने पहले दिन 170 करोड़ रुपये की कमाई कर सबको चौंका दिया है। कोराताला सिव द्वारा निर्देशित ये इमोशनल एक्शन ड्रामा फिल्म पैन इंडिया स्तर पर हिट साबित हो रही है। NTR ने डबल रोल में शानदार प्रदर्शन किया है और उनकी मेहनत विशेषकर एक्शन सीक्वेंस में सराही जा रही है। कानपुर टेस्ट मैच में बांग्लादेशी फैन टाइगर रोबी जो मेडिकल वीजा पर आया था, वीजा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में डिपोर्ट किया गया है। उसने क्रिकेट मैच देखने के लिए इलाज का दुरुपयोग किया। अब उस पर भारत में 5 साल का वीजा प्रतिबंध लगा दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत पाकिस्तान संबंधों का मुख्य मुद्दा पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए कश्मीर को खाली करना है। उन्होंने पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवाद नीति को विफल बताया और चेतावनी दी कि उसके कार्यों के विनाशकारी परिणाम होंगे। खराब सिविल स्कोर की वजह से होम लोन पर ब्याज दर 8.35% से 10.75% तक जा सकती है। इससे 50 लाख रुपए के लोन पर 25 साल में कुल भुगतान 1.19 करोड़ से 1.44 करोड़ रुपए तक हो जाएगा। सिविल सुधारने के लिए समय पर भुगतान और क्रेडिट उपयोग सीमित करना जरूरी है। नेपाल में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन में रविवार तक 112 लोगों की मौत हो गई, 64 लोग लापता और 68 घायल हैं। काठमांडू घाटी में सबसे अधिक 48 मौतें हुई हैं, जनजीवन ठप है, कई मकान और पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और दर्जनों नदियाँ उफान पर हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच के लिए हाई पावर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन का आदेश दिया है। केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर बैठक कर सदस्यों के चयन पर चर्चा करने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। CGI DY चंद्रचूड़ ने चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्यक्रम में अपनी बेटी माही की प्रेरणा से वीगन बनने की कहानी साझा की। उन्होंने कहा कि वीगन जीवन शैली क्रूरता को नकारने के लिए है। उन्होंने जानवरों से मिलने वाले उत्पादों का सेवन ना करने और क्रूरता मुक्त जीवन जीने का महत्व बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 114वें एपिसोड में महिला सशक्तिकरण पर चर्चा की है। उन्होंने शारदा आजीविका स्वयं सहायता समूह का उल्लेख करते हुए बताया कि इससे जुड़ी महिलाओं ने मछली पालन और फिश पालन शुरू कर अपनी आय बढ़ाई है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए नीतीश रेड्डी को शामिल किया है। पहले जिम्बाब्वे दौरे पर चोट के कारण बाहर होने के बाद नीतीश अब अपने IPL प्रदर्शन के दम पर डेब्यू का मौका पाने के लिए तैयार है। सीरीज 6 से 12 अक्टूबर तक होगी। अक्टूबर में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होंगे। LPG एंड ATF की कीमतों में संशोधन हो सकता है। HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर नए नियम लागू होंगे। न्यूनतम मजदूरी बढ़कर 235 रुपये प्रतिदिन होगी और सुकन्या समृद्धि योजना में कानूनी अभिभावक के अधिकार में बदलाव आएगा। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा पर 3.85 अरब साल पुराने क्रेटर में उतरा है। ये मिशन चंद्रमा की अद्वितीय भूगर्भीय संरचना का अध्ययन करेगा। प्रज्ञान रोवर से मिली तस्वीरें चंद्रमा के विकास को समझाने में मदद करेगी। बता दें कि क्रेटर आमतौर पर ज्वालामुखी विस्फोट का उल्कापिंड या उल्कापिंड से बनते हैं। RBI ने अक्टूबर 2024 के लिए बैंकों की छुट्टियों की सूची जारी की है जिसमें कुल 15 दिन की छुट्टियां हैं। इसमें 4 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार शामिल हैं। हर राज्य में छुट्टियां अलग अलग होंगी इसलिए स्थानीय छुट्टियों की जानकारी चेक करना जरूरी है। प्रमुख छुट्टियों में महात्मा गांधी जयंती, दशहरा और दिवाली शामिल है। 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में मतदान से पहले कठुआ और कुलगाम में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। कुलगाम में 2 आतंकवादी मारे गए जबकि 4 सैनिक घायल हुए। कठुआ में 1 हेड कांस्टेबल शहीद हुए। सर्च ऑपरेशन जारी है जिससे ड्रोन और आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है।
भारत ने 2024 में T20 विश्व कप जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 से संन्यास लेने की घोषणा की। रोहित ने कहा कि ये सही समय था आगे बढ़ने का। T20 में उनके शानदार रिकॉर्ड में 151 पारियों में 4231 रन शामिल है और वे दो बार विश्व कप जीतने वाले इकलौते भारतीय हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में 535 करोड़ रुपए की अनियमितता का आरोप लगाया है। अमिताभ ठाकुर ने जांच की मांग करते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी को शिकायत। ऑडिट रिपोर्ट में समय से पहले बोनस भुगतान में 6% की अनियमितता और 438.8 करोड़ रुपए की राजस्व हानि का उल्लेख है। Xiaomi 15 सीरीज के नए स्मार्टफोन्स 23 अक्टूबर को चीन में लॉन्च होंगे। टॉप वेरिएंट Xiaomi ने 15 अल्ट्रा अगले साल आएगा। फोन में 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 24GB तक की रैम, 6200mAh बैटरी और स्नैपड्रैगन 8 जेन 4 चिपसेट होंगे। ये 10x ऑप्टिकल जूम और 2K डिस्प्ले के साथ आएगा। मेटा ने व्हाट्सएप में नए फीचर्स पेश किए हैं जिसमें वॉइस कमांड के जरिए फोटो एडिट करने की सुविधा शामिल है। यूजर्स मेटा AI से बात कर तस्वीरों को एडिट करवा सकते हैं। ये फीचर जल्द सभी के लिए उपलब्ध होंगे जिसमें तस्वीरों के अनचाहे हिस्से हटाने और बैकग्राउंड बदलने की सुविधा होगी। BSNL ने 345 रुपये का नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है जिसमें 60 दिनों की वैधता, रोज 1GB डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 100 SMS शामिल है। ये योजना केवल 5.75 रुपये प्रतिदिन में बेहतरीन लाभ देती है। BSNL अपने 4G नेटवर्क का विस्तार कर रहा है और 2999 रुपये का वार्षिक प्लान भी उपलब्ध है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने आदेश दिया है कि अब SMS में केवल श्वेत सूचीबद्ध URL, APK और OTT लिंक ही भेजे जा सकते हैं। ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा। इसके अलावा मोबाइल सेवाओं में व्यवधान पर उपभोक्ता मुआवजे की मांग कर सकेंगे और नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है। अनुष्का शेट्टी, जो बाहुबली और भागमती जैसी सफल फिल्मों में काम कर चुकी हैं, उनके फैंस के लिए खुशखबरी है। भागमती के निर्देशक अशोक ने पुष्टि की है कि फिल्म का सीक्वल बन रहा है जिसका प्री प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। फिल्म 2025 में फ्लोर पर जाएगी। अनुष्का इस बार और भी शक्तिशाली किरदार में नजर आएंगी। L&T सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज अगले 2 वर्षों में अपने डिजाइन किए गए सेमीकंडक्टर उत्पादों का निर्माण शुरू करने की योजना बना रही है। CEO संदीप कुमार ने कहा है कि कंपनी 15 विभिन्न उत्पादों के साथ 5 करोड़ से 1 अरब डॉलर का राजस्व प्राप्त करने की क्षमता रखती है। उत्पादन अगले साल के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिजिटल यूनिट वायकॉम 18 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से नॉन न्यूज TV चैनल से लाइसेंस स्टार इंडिया को ट्रांसफर करने की मंजूरी मिली है। इस मर्जर से देश का सबसे बड़ा मीडिया समूह बनेगा जिसकी वैल्यूएशन 70,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी नई यूनिट की चेयरपर्सन होंगी। सरकार ने 10 भूवैज्ञानिक स्थलों के नाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भेजे हैं जिनकी समीक्षा चल रही है। भारत में लगभग 100 भूविरासत स्थल हैं जिनमें से 32 को राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक के रूप में मान्यता मिली है। सचिव VL कांता राव ने भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण के लिए विधेयक पर काम करने की जानकारी दी। भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के वाशिंगटन यात्रा के दौरान ये मुद्दा उठेगा। दोनों पक्ष कोबाल्ट, लिथियम और अन्य खनिजों के द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे, साथ ही भारत में निवेश के अवसरों पर भी विचार करेंगे। भारत सरकार नए जनविश्वास 2.0 विधेयक पर काम कर रही है जो व्यापार में आसानी लाने के लिए लगभग 100 नियमों और कानूनों को संशोधित करेगा। ये विधेयक छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने और आपराधिक दंड का डर कम करने पर केंद्रित है जिससे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक गधा बर्फ से फिसलता हुआ दिखाई देता है। इसे केदारनाथ यात्रा का बताकर साझा किया गया है, लेकिन फैक्ट चेक में पता चला है कि ये वीडियो पाकिस्तान के बबून वैली का है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है सोनू कुमार, नुनू गोलू कुमार, संजीव कुमार, रंजीत कुमार झा, मोहम्मद साकिर हुसैन, नौसाद रजा, राकेश मिश्रा, तुषारिका राजपूत, जितेंद्र ठाकुर, धनंजय कुमार, मोहम्मद जिब्रेल, उदय कुमार, रिजवान खान, कृष्ण देव चौपाल, बाबूलाल मरांडी, राहुल, उदय कुमार सिंह। अब बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, कौन सा बैंक आपका सबसे भरोसेमंद बैंक है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।